यूपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को दी मंजूरी। 600 को हर महीने मिलेंगे 20,000 रूपए। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड कर किया प्रदर्शन। भर्ती पूरी करने की मांग की। लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 गिरफ्तार। 5 अन्य की तलाश जारी। केसुनोई में जुआ खेलते रही साधु को विदेशी युवतियां पड़ोसी थी। ये चीज सफेद पोशों से मिले लिंक हुए बड़ी झांसे। पावर कॉर्पोरेशन के 115 AE बने XEN। प्रणति व नई तैनाती के आदेश जारी। मेरठ में हर घर में लगेगा पीरियड चार्ट। सभी फीमेल सदस्यों के नाम के साथ होगी माहवारी की तारीख। देश के खास 75 स्टेशनों में सिटी स्टेशन भी शामिल। 23 जुलाई तक लगेगी प्रदर्शनी। मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अज्जू कबारी की सोदीगंज व पटेल नगर स्थित करोड़ों की संपत्ति जब्त। मुजफ्फरनगर में किशोरी को 8 साल बाद मिला इंसाफ। आरोपी को आजीवन कारावास। बच्चे की कुरकर्म के बाद हत्या। खोजबीन के दौरान आरोपी के घर से शव बरामद। फिर गराया सीमा विवाद। भूमि अतिक्रमण को लेकर असम अरुणाचल प्रदेश में तनाव। पिछले 3 सालों में 3.92 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। 2021 का आंकड़ा सबसे ज्यादा। जानिए कहां बसे ये लोग। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने सीएम के करीबी पंकज मिश्रा से पूछताछ शुरू की। कांग्रेस ने मुर्मू और भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। लगाई रिश्वत देने के आरोप। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले लोगों की कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही विदेशी एजेंसियां। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा अगर मैं कोहली की कप्तानी में खेलता तो टीम इंडिया 3 वर्ल्ड कप जीतती। वनडे सीरीज में जीता भारत लेकिन कई समस्याएं बरकरार। हार्दिक और पंत ने दूर की मध्यक्रम की चिंता। पंत के शतक पर यूवी ने लिखा 45 मिनट की बातचीत काम आई। ये था ऋषभ का जवाब। खास तरीके से KL राहुल कर रहे वापसी की तैयारी। नेट्स और भारत की महान महिला गेंदबाज का क्या सामना।